सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में वर्चुअली सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेके सीमेंट समूह का विश्वास उत्तर प्रदेश सरकार पर पिछले 5 सालों में बढ़ा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में 1200 करोड़ के निवेश के साथ जेके सीमेंट ने 3 सीमेंट के कारखाने स्थापित किए। ये केवल हमारी सरकार की भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण संभव हो पाया। और जब परिणाम सामने आए, प्रदेश ने अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत जब कार्य करना प्रारंभ किया, तो देखते ही देखते पिछले 4 वर्ष के अंदर 1200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ अपने 3 सीमेंट प्लांट को जेके ग्रुप ने आज यूपी के अंदर लोकार्पित किया है। 2020 में अलीगढ़ में, 2022 में हमीरपुर में और 2024 में प्रयागराज में। मैं समूह को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि निवेश हमारे लिए केवल निवेश मात्र नहीं है, यह निवेश यूपी के सपनों को एक नया पंख दे रहा है। यह निवेश हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूपी का एक समूह जो कभी कानपुर जैसे औद्योगिक नगर का पहचान थी, लेकिन विश्वास भंग होने के कारण वह अपने निवेश को समेट रहा था, यहां से प्लान करने की स्थिति में था। वह फिर से यूपी में आकर के निवेश किया है और उस निवेश को भी 3 अलग अलग स्थानों में करते हुए हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है।